फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इस टाइम महिलाओं को अपना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमसे हमारा बच्चा जुड़ा हुआ होता है, घर में एक नन्ही सी जान जुड़ी हुई होती है। इस टाइम पे महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम ठीक है, नॉर्मल होती है, कुछ प्रॉब्लम को लेके महिलाएं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनके मन में एक डर हो जाता है, कहीं बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्हीं में से फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में बार बार पेट का कड़क होना, एकदम से टाइट हो जाना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो सकती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कब ये नॉर्मल होती है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रेगनेंसी में बार बार पेट कड़क होना किस बात का संकेत होता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है रेशू, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक भी कर लें। अगर आपके 1 से 3 महीने चल रहे हैं तो इस टाइम पेट कड़क होने का रीज़न हो सकता है कि आपका गर्भाशय फैलना शुरू हो चुका है, जिस वजह से पेट कड़क होता है। बच्चे को जगह बनाना शुरू कर दी है आपके गर्भाशय ने, इसलिए पेट कड़क आपका महसूस होने लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात तब है जब आपको पेट कड़क होने के साथ साथ पेट में दर्द भी हो रहा है, पीरियड के जैसा मड़ोड़ हो रही है, आपको तेज़ी से पेन हो रहा है और ब्लीडिंग अगर नज़र आ रही है तो ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली 12वें हफ्ते में हो सकती है, इसलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। इसके बाद बात करें अगर हम 4 से 6 महीने की, तो फ्रेंड्स इस टाइम क्या होता है कि गर्भाशय का साइज़ तो बढ़ रहा होता है, बच्चे को जगह बना रहा होता है, साथ ही साथ तो इस टाइम आपको ज़्यादा गैस, अपच, सीने में जलन, कब्ज़ की दिक्कत भी हो सकती है। तो इन सभी कारण की वजह से भी पेट कड़क होता है। ठीक है, बात करें अगर 7 से 9 महीने की, तो फ्रेंड्स 7वें 8वें महीने में क्या हो सकता है कि पेट कड़क फॉल्स लेबर पेन का भी सिम्टम होता है। जैसे कि अगर एकदम से आपका पेट कड़क हो रहा है, थोड़ी सा पेट में मरोड़ टाइप की हुई है और एकदम से वो बंद हो गई है, आप लेट जाते हो या वॉकिंग करने लगते हो हल्का सा, तो ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये एक तरीके का फॉल्स लेबर पेन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, जिस वजह से ये सिम्टम आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी भी 7वें 8वें महीने में आपको नज़र आता है कि पेट कड़क होने के साथ आपको तेज़ी से पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ी से, जो बंद नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। इसके बाद आते हैं हम 9वें महीने में, तो 9वें महीने में पेट कड़क होना, पेट में मरोड़ होना, दर्द होना, ये डिलीवरी का लक्षण होता है। मतलब लेवर पेन अब आपको होना शुरू हो गया है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। तो ऐसा होने पर 9वें महीने में आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। इसके बाद कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखते हो तो ये दिक्कत आपको कम होगी। जैसे कि जब भी आपको लगे कि पेट कड़क हो रहा है तो आप पानी खूब सारा पीजिए, क्योंकि कई बार पानी की कमी से भी पेट में कड़कपन आ सकता है, मतलब पेट में टाइटनेस आ सकती है। साथ ही साथ ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठने से भी गैस बन जाती है पेट में और इससे भी फिर पेट कड़क आपका हो सकता है। इसलिए एक ही पोजीशन में ना बैठ के थोड़ा थोड़ा टाइम उठकर आप वॉक कर लें, लेट जाएँ, जो भी मर्जी करें, लेकिन एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बैठें। साथ ही साथ बिस्तर से उठ रहे हो तो एकदम से तेज़ी से ना उठें। अगर आप सीधे लेटे हो तो पहले करवट लीजिए, फिर करवट से उठिए, फिर पैरों को नीचे रखिए। इस तरीके से आपको बिस्तर से उठना चाहिए, इससे पेट कड़क की जो दिक्कत है वो बार बार नहीं होगी। आई होप हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। मिलते हो आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।